हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल एंट्रेंस वाला और एट द रेट डॉक्टर आलम। आई एम मोहम्मद उवैस आलम, सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो अभी इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं, जो ऑल इंडिया कोटा का स्पेशल स्ट्री वैकेंसी राउंड है वो स्टार्ट हो चुका है आज से लेकर। क्या क्या टाइम लाइन है, कितनी सीट्स खाली हैं ऑल इंडिया के अंदर, कितनी खाली हैं स्टेट वाइज, गवर्नमेंट कितनी सीट्स अवेलेबल हैं बीएएमएस में, बीएचएमएस में, बीयूएमएस में और बीएसएमएस में, पूरा इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितने मार्क्स होने चाहिए अप्लाई करने के लिए, और जो नए स्टूडेंट हैं उनको कैसे अप्लाई करना है, और जो स्टूडेंट पहले ही अप्लाई कर चुके हैं उनको कोई भी सीट नहीं मिली है उनको कैसे अप्लाई करना है, पूरा प्रोसेस मैं बताऊँगा। तो जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। यह है ऑफिशियल वेबसाइट EEEC की, जहाँ पर ऑल इंडिया कोटा की जो काउंसलिंग है आयुष की होती है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी EEEC, इसी पर अभी तक जितने भी राउंड हुए थे काउंसलिंग के ऑल इंडिया कोटा के वो यहीं हुए हैं। जो लोग अभी पहली बार पार्टिसिपेट करेंगे उनके लिए मैं ये डिटेल में थोड़ा बता रहा हूँ, क्योंकि उनको नहीं पता होगा, वो पहली बार यहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाले हैं। परसेंटाइल रिड्यूस होने की वजह से जो स्टूडेंट है कम मार्क्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। कितने मार्क्स तक कर सकते हैं वो मैं पहले भी बता दिया था आप सभी को। जिन स्टूडेंट की परसेंटाइल, नीट स्कोर कार्ड में परसेंटाइल लिखा रहता है, जिनकी परसेंटाइल अगर जनरल से 45 या उसके अबव परसेंटाइल है तब वो अप्लाई कर सकते हैं, और अगर कैटेगरी यानी ओबीसी एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो 35 अगर उनकी परसेंटाइल है तब वो यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके हिसाब से जो मार्क्स बैठ रहे थे जनरल के लिए 121 या 122 के अराउंड बैठ रहे थे, और कैटेगरी से अराउंड 98 मार्क्स यहाँ पर बैठ रहे थे कि जिन स्टूडेंट के इतने मार्क्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। मार्क्स में वेरिएशन हो सकता है वो मैंने अभी एग्जैक्ट नहीं देखा है, लेकिन परसेंटाइल जो है जिनकी इतनी है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो नोटिफिकेशन है काउंसलिंग का आ चुका है, जो आपको दिख रहा होगा यहाँ, नोटिस रिगार्डिंग स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड फॉर EEEC UG काउंसलिंग 2023। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो PDF वो डाउनलोड हो जाएगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो यहाँ से आपको दिखा देता हूँ। यह है नोटिफिकेशन जो कल को आया था कल, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो नोटिफिकेशन का सब्जेक्ट है, कंडक्शन ऑफ स्पेशल स्ट्री वैकेंसी राउंड एज द एडिशनल राउंड फॉर एडमिशन टू वैकेंट आयुष सिद्धा यूनानी होम्योपैथी UG सीट्स अंडर गवर्नमेंट एडेड सेंट्रल यूनिवर्सिटी नेशनल इंस्टीट्यूट इन द व्यू ऑफ रिवाइज्ड मिनिमल परसेंटाइल क्राइटेरिया फॉर द नीट 2023 बाय 5 परसेंटाइल अक्रॉस ऑल कैटेगरी फॉर एडमिशन टू दीज कोर्सेज। तो यहाँ पर ये वही बता रहे हैं कि जो नया राउंड है स्पेशल स्ट्री वैकेंसी राउंड, वो इसी वजह से हो रहा है क्योंकि जो 5 परसेंटाइल का जो रिड्यूस हुआ है मार्क्स में, कट ऑफ में, उसकी वजह से यहाँ पर कराना है। और जो ऑल इंडिया का ये EEEC करा रही है, जिन स्टूडेंट को अभी तक नहीं पता उनके लिए बता दूँ, जो EEEC यानी ये सेंट्रल वाली काउंसलिंग है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट सीट के लिए, गवर्नमेंट एडिड सीट्स के लिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, नेशनल इंस्टीट्यूट के लिए ही यहाँ पर ये राउंड किया जा रहा है। और इसके अलावा जितने भी प्राइवेट कॉलेज बचते हैं उनकी जो काउंसलिंग है वो होगी स्टेट के थ्रू, स्टेट काउंसलिंग के थ्रू, और ये मोस्टली चांसेस हैं ऑफलाइन ही रहे। तो जो लोग भी प्राइवेट कॉलेज में अप्लाई करना चाहते हैं या एडमिशन लेना चाहते हैं प्राइवेट BAMS में, और उनको अभी कुछ पता नहीं चल रहा है कैसे अप्लाई करना है, तो वो एंट्रेंस वाला काउंसलिंग टीम से सपोर्ट ले सकते हैं, जिसके लिए वो अपना नीट का स्कोर कार्ड और अपना फ़ोन नंबर और अपना एड्रेस जो है मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, जो नंबर है 7248 141665 पर अपनी डिटेल्स भेज देंगे और मैं आपको रिवर्ट बैक कर लूँगा। आप अपनी सिर्फ डिटेल्स यहाँ पर भेजें, कॉल ना करें तो ज़्यादा बेटर है। जब मैं फ्री होऊंगा तो आपको यहाँ पर रिवर्ट बैक करके आपको बता दूंगा कौन कौन से कॉलेज बचे हैं जहाँ पर आपको एडमिशन मिल सकता है BAMS में, और क्या प्रोसेस रहेगा, कैसे आपको एडमिशन मिलेगा, वो भी यहाँ पर बता दिया जाएगा। तो जो लोग भी चाहते हैं यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और जो लोग खुद से करना चाहते हैं वो यहाँ पर मैं पूरा जो डिटेल है बता दूंगा, उसके बाद आपको यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी। इट इज़ इन्फॉर्म दैट द मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंटाइल क्राइटेरिया हैज़ बीन रिड्यूस्ड बाय 5 परसेंटाइल अक्रॉस ऑल कैटेगरी फॉर एडमिशन टू UG कोर्सेज अंडर आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी होम्योपैथी फॉर द एकेडमिक ईयर 2023-24 बाय NCISM। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो NCISM का नोटिफिकेशन आया था उसकी वजह से यहाँ पर रिड्यूस किया गया है। जैसे आपको पता होगा आयुष में जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं वो NCISM की तरफ से बनाए जाते हैं और NCH की तरफ से। यहाँ पर काउंसलिंग कमेटी का काम सिर्फ और सिर्फ एडमिशन कराना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। इन व्यू ऑफ दिस EEEC मिनिस्ट्री ऑफ आयुष हैज़ डिसाइडेड टू कंडक्ट एन एडिशनल राउंड फॉर एडमिशन। तो यहाँ पर ये सब यही बता रहे हैं कि जो एडिशनल राउंड कराना जा रहा है वो सिर्फ इसी वजह से कराया जा रहा है क्योंकि परसेंटाइल रिड्यूस हुई है। अब इसमें सिर्फ वो नहीं कि जो नए स्टूडेंट है वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिनको अभी तक सीट नहीं मिली है पहले स्टूडेंट भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर कोई पहले गवर्नमेंट के लिए किया था, प्राइवेट के लिए करना चाहता है कर सकता है, या सिर्फ प्राइवेट के लिए या सिर्फ गवर्नमेंट के लिए करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अभी गवर्नमेंट की सीट्स भी यहाँ पर बची हुई है, मैं आपको दिखा दूँगा सीट मैट्रिक्स के अंदर,
BAMS, BHMS, BOMS सभी का सीट मैट्रिक्स क्या है, कैसे आप जाकर देखेंगे वो भी बता दूंगा। सेलिएंट फीचर यहाँ पर देखेंगे, रजिस्ट्रेशन इज अवेलेबल फॉर ऑल एलिजिबल कैंडिडेट, यानी जितने भी स्टूडेंट एलिजिबल हैं सभी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। नो अपग्रेडेशन अवेलेबल फ्रॉम एनी ऑफ द प्रीवियस राउंड, अगर किसी को पहले ही एडमिशन मिल चुका है तो और अगर स्टूडेंट पार्टिसिपेट करना चाहता है तो नहीं कर सकता और ना ही अपग्रेडेशन कर सकते हैं। ये सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट के लिए हैं जिनको अभी तक कोई कॉलेज नहीं मिला है या फिर अभी उन्होंने रजिस्ट्रेशन भी नहीं किया था और आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं और अगर एलिजिबल हैं तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए, ऑल एलिजिबल कैंडिडेट इंक्लूडिंग एडिशनल क्वालिफाइड कैंडिडेट इन द व्यू ऑफ रिवाइज्ड मिनिमम परसेंटाइल क्राइटेरिया बाय 5 परसेंटाइल, यानी सभी स्टूडेंट जो एलिजिबल हैं, एक तो पहले वाले स्टूडेंट जो 50 परसेंटाइल से ऊपर जनरल में थे वो कैटेगरी में 40 परसेंटाइल और 45 परसेंटाइल से ऊपर थे वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके साथ ही यहाँ पर जो अदर कैटेगरीज में 5 परसेंटाइल का रिड्यूस हुआ है उसके बाद जो भी स्टूडेंट एलिजिबल हुए हैं सभी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट हु हैव नॉट बीन एडमिटेड टू एनी सीट ड्यूरिंग द राउंड ऑफ EEEC UG काउंसलिंग और स्टेट, यानी ऐसे स्टूडेंट जिनको ना ही ऑल इंडिया कोटा से कोई सीट मिली है अभी तक और ना ही स्टेट से, वो अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कैंडिडेट मस्ट सबमिट अ विलिंगनेस इन द EEEC पोर्टल टू पार्टिसिपेट इन द स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड विद एन अंडरटेकिंग दैट दे आर नॉट होल्डिंग एनी यूजी सीट, यानी यहाँ पर स्टूडेंट से अंडरटेकिंग ले लिया जाएगा कि उन्होंने अभी तक कहीं भी एडमिशन नहीं लिया है और अब वो यहाँ पर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं कि कोई उनको सीट मिल जाए। फिर दोज कैंडिडेट हुज नेम इन द लिस्ट ऑफ इनएलिजिबल पब्लिश्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ यूथ ऑन 3/11/2023 आर नॉट एलिजिबल टू पार्टिसिपेट, यानी वो स्टूडेंट जो इनएलिजिबल हो गए हैं वो यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। एडमिशन रूल्स की बात की जाए तो यहाँ पर एक नए रूल्स हैं तो सभी देख लें इनको। पहला क्या है, इफ कैंडिडेट गेट अलॉटेड अ सीट इन स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड दे मस्ट ज्वाइन अलॉटेड इंस्टीट्यूट, इफ कैंडिडेट डू नॉट ज्वाइन द अलॉटेड सीट देयर सिक्योरिटी मनी विल बी फॉरवेटेड एंड दे विल बिकम इनिजिबल फॉर फर्दर आयुष यूजी काउंसलिंग 2023, यानी अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी सीट मिल जाती है तो उसको एडमिशन लेना कंपलसरी होगा और अगर सीट छोड़ते हैं तो उनकी सिक्योरिटी मनी भी जब्त कर ली जाएगी और आगे किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अगला क्या है, फर्दर इफ अ कैंडिडेट हैज़ पार्टिसिपेटेड इन द स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड बाय होल्डिंग इन्फॉर्मेशन दैट ही और शी इज होल्डिंग अ सीट अलॉटेड थ्रू एनी ऑफ द राउंड काउंसलिंग, ही शी हैज़ बीन अलॉटेड अ सीट इन द स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड, इन दैट केस अप्रोप्रिएट एक्शन शैल बी इनिशिएटेड अगेंस्ट कैंडिडेट वायलेटिंग द रूल्स, यानी कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको पहले सीट मिल चुकी है और वो दोबारा से यहाँ पर पार्टिसिपेट करके कोई सीट ले लेता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग। तो इसलिए जिनको पहले सीट मिल चुकी है वो दोबारा पार्टिसिपेट करने की कोशिश ना करें। शेड्यूल की बात की जाए स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड में, ये सिर्फ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एडेड और सेंट्रल यूनिवर्सिटी नेशनल इंस्टीट्यूट के लिए हैं। डीम्ड के लिए रेस्पेक्टिव आपको कॉलेज में कराना होगा और प्राइवेट के लिए स्टेट वाइज होगा, जिसके लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था जो कॉन्टैक्ट नंबर है 7248141665 पर अपनी डिटेल व्हाट्सअप करेंगे, कॉल ना करें। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन और पेमेंट की बात की जाए स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए, 16 नवंबर to 19 नवंबर टिल 2 PM एज पर सर्वर टाइम, यानी 16 से 19 नवंबर के बीच में आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा और इसी के बीच में पेमेंट भी करना है। पेमेंट फैसिलिटी जो है 5 बजे तक रहेगी 19 तारीख को सर्वर टाइम के हिसाब से। चॉइस फिलिंग और लॉकिंग की बात की जाए तो 16 से लेकर आप 19 के बीच में कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग का भी सर्वर टाइम 11:55 है तो आप सभी लोग देख लें 16 से लेकर यानी आज से 19 तक आप जो है अपना चॉइस फिलिंग रजिस्ट्रेशन वगैरह कर सकते हैं। और जो लोग सिर्फ गाइडेंस चाहते हैं एंट्रेंस वाला यूट्यूब चैनल से वो अपना गाइडेंस ले सकते हैं 7248141665 पर अपनी डिटेल्स भेज देंगे और जस्ट 1000 रुपीज़ में आपको पूरा काउंसलिंग का गाइडेंस जो है दिया जाएगा कैसे आपको काउंसलिंग करनी है। प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट अगर बात की जाए तो 20 नवंबर होगी और रिजल्ट जो है आपका 21 नवंबर को आ जाएगा। आपको कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा 21 से लेकर 27 नवंबर के बीच में। द अपडेटेड शेड्यूल फॉर द कंडक्शन ऑफ स्ट्रे वैकेंसी राउंड बाय द डीम्ड यूनिवर्सिटी इज फ्रॉम 22 नवंबर to 27 नवंबर इंक्लूडिंग काउंसलिंग एंड रिपोर्टिंग। अब ये जो डीम्ड यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट हैं वो देख लें, रेस्पेक्टिव डीम्ड यूनिवर्सिटी में जाकर एडमिशन होगा और 22 से लेकर 27 के बीच में आपका जो एडमिशन होना है तो डीम्ड वाले जाकर देख लें और प्राइवेट वाले कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ एडमिशन इन आयुष इज 30 नवंबर, यानी किसी भी स्टूडेंट का एडमिशन जो है 30 नवंबर के बाद नहीं होगा, इससे पहले ही होना है, चाहे प्राइवेट में हो, गवर्नमेंट में हो, डीम्ड में हो, सेंट्रल इंस्टीट्यूट में हो, नेशनल इंस्टीट्यूट में हो, सभी जगह। तो लास्ट डेट जो है एडमिशन की वो 30 नवंबर है। नोट मतलब कुछ ध्यान रखना है आपको, एलिजिबल कैंडिडेट हु विश टू पार्टिसिपेट इन इंस्टीट्यूट लेवल स्ट्रे वैकेंसी राउंड कंडक्टेड बाय द डीम्ड यूनिवर्सिटी कैन ऑल्सो रजिस्टर इन EEEC पोर्टल, यानी ऐसे स्टूडेंट जो इंस्टीट्यूट लेवल पर जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड हुआ था उसमें पार्टिसिपेट किए थे और अब दोबारा से गवर्नमेंट वगैरह के लिए पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट हु वांट टू पार्टिसिपेट इन इंस्टीट्यूट लेवल स्ट्रे वैकेंसी राउंड कंडक्टेड बाय द डीम्ड यूनिवर्सिटी कैन अवेल ऑफ द रजिस्ट्रेशन अनलॉकिंग फैसिलिटी एंड पोर्टल एंड सेलेक्ट डीम्ड यूनिवर्सिटी एज अ टाइप ऑफ काउंसलिंग, यानी जो पहले ही काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते चुके थे लेकिन अभी डीम्ड उन्होंने चॉइस नहीं किया था तो वो डीम्ड को चॉइस कर सकते हैं। रिवाइज्ड शेड्यूल फॉर इंस्टीट्यूट लेवल स्ट्रे वैकेंसी राउंड ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटी इज फ्रॉम
22 to 27 वही बताया यहाँ पर ड्रीम्ड के लिए 22 से 27 के बीच में कराना है। तो ये तो हो गया पूरा नोटिफिकेशन टाइमलाइन रूल्स रेगुलेशंस। अब इसके बाद जो आती है वो आती है बात कितनी सीट्स किसके अंदर बची हुई हैं। तो सबसे पहले जब आप करंट एंड इवेंट्स के सेक्शन में इधर की तरफ देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा प्रोविजनल यूजी बीएएमएस सीट मैट्रिक्स फॉर स्पेशल स्टे वैकेंसी नाउन। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको बीएएमएस की जो सीट्स मैट्रिक्स है यानी कितनी सीट अभी बची हुई हैं वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर अलग अलग कॉलेजेस के अंदर आपको दिख जाएगा गवर्नमेंट के अंदर, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्टेट नेम, इंस्टीट्यूट का नेम दिख रहा होगा, कोटा, कैटेगरी, टोटल सीट, तो ऑल इंडिया कोटा से। यहाँ अगर आप देखेंगे बीएएमएस की टोटल गवर्नमेंट लगभग 50 के आसपास सीट्स यहाँ पर बची हुई हैं अलग अलग कॉलेज में। तो सभी स्टूडेंट देख लें और जिनके अच्छे मार्क्स है वो भी यहाँ पर देख लेना। अभी आईएमएस बीएचयू के अंदर भी 2 सीट्स बची हुई हैं, तो सभी स्टूडेंट देख लेना कैसे इनको पार्टिसिपेट करना है। जिनके अच्छे मार्क्स है वो भी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई बीएएमएस की। उसी तरह से अगर बीएसएमएस का देखना है तो यहाँ पर देखेंगे, बीओएमएस का देखना है तो यहाँ पर देखेंगे, बीएचएमएस की सीट मैट्रिक्स देखनी है यहाँ पर देखेंगे, बीओएमएस में भी लगभग अराउंड यहाँ पर देखेंगे तो आप 25 सीट्स के अराउंड बची हुई हैं। तो सभी स्टूडेंट देख लें कैसे पार्टिसिपेट करना है, सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस मैंने यहाँ पर बता दिए हैं। जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू।